दोस्तों Redmi Note 11 सीरीज लॉन्च हो चुका है चाइना में, बहुत ही जल्दी दोस्तों इंडिया में आएगा क्योंकि BIS पे ऑलरेडी दोस्तों आज मॉर्निंग में लिस्ट हो चुका है। तो हमें दोस्तों ऐसा लग रहा है कि 23 नवंबर तक ये दोस्तों लॉन्च हो जाए, तो डेट भी आपको दे दिया। लेकिन बात करते हैं Redmi Note 11 सीरीज का, तो कल के टेक न्यूज़ अगर जो भी देखा है मेरा, तो उसमें दोस्तों मैंने सारा स्पेसिफिकेशन बता दिया था। ये वीडियो में स्पेसिफिकेशन नहीं बताएंगे, इसमें दोस्तों कंपेयर करेंगे क्या Redmi Note 10 जो सीरीज आया था उसी के तरह है ये दोस्तों, हल्का फुल्का इंक्रीमेंट है या बहुत ही ज़्यादा इंक्रीमेंट है या डाउनग्रेड है दोस्तों। तो सब कुछ बात करेंगे और प्रो कॉन्स का भी बात करेंगे कि इसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे दोस्तों पहली बार आए तो फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, पैसे नहीं लगते इस बात की। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों Redmi Note 11। तो दोस्तों ये जो फोन है, ये फोन दोस्तों कॉम्पैक्ट सा फोन है। Redmi Note 10 जो है उसी तरह का है, क्योंकि यहां पर स्क्वायरिश शेप नहीं मिल रहा है जो दोस्तों प्रो और प्रो प्लस में देखने को मिल रहा है। तो यहां पर जो दोस्तों बिल्ड क्वालिटी मिलेगा Redmi Note 10 के ही जैसा मिलेगा, कोई फर्क यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले इसके थिकनेस की। तो थिकनेस जो है दोस्तों 8.7 mm का थिकनेस है दोस्तों Redmi Note 11 का, जबकि Redmi Note 10 का जो था दोस्तों 8.3 mm का था। तो थोड़ा सा बल्कि आपको यहां पर देखने को मिलेगा दोस्तों Redmi Note 11 सीरीज। बात करते हैं दोस्तों अब इसके डिस्प्ले की। तो 6.6 इंच का दोस्तों IPS डिस्प्ले 90Hz के साथ आता है। अब यहां पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आता कि 10 सीरीज में इन्होंने दोस्तों AMOLED दिया, लेकिन यहां पर 90Hz का IPS दे दिया, यहां पर 120Hz का दोस्तों देना चाहिए था कम से कम। तो दोस्तों ये एक मैं बोलूंगा कि कौन सा यहां पर प्रोस नहीं बोल सकते, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले होता है दोस्तों, जितना भी कर ले अगर 120 हर्ट्ज का IPS LCD डिस्प्ले देता तो यहां पर समझ में आता कि हां IPS दे दिया है। लेकिन पैसा बच काटने के चक्कर में दोस्तों यहां पर 90 हर्ट्ज का IPS दे दिया है, यह चीज मुझे समझ में नहीं आया। बात करते हैं दोस्तों इसके प्रोसेसर की। तो दोस्तों प्रोसेसर तो इनको 5G देना था, अगर 5G नहीं देते तो Realme 8s ऑलरेडी है दोस्तों इस प्रोसेसर के साथ, और Realme 8 में दोस्तों बहुत सारे फोन है जो 5G है, तो 5G तो इनको देना था। तो यहां पर दोस्तों कोई बड़ा नहीं काम नहीं किया है Dimensity 810 का प्रोसेसर देखे। लेकिन दोस्तों बात करते हैं स्टोरेज टाइप की। तो LPDDR4X वाला रैम और UFS 2.2 का दोस्तों सपोर्ट पहले भी Redmi Note 10 सीरीज में था, यहां पर भी दोस्तों वही सेम चीज चिपका दिया गया। बात करते हैं दोस्तों कैमरा की। 50 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का दोस्तों यहां पर ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है। Redmi Note 10 में भी दोस्तों वही सेम कुछ था, बस वहां पर 48822 का था। लेकिन दोस्तों यहां पर एक चीज अच्छा किया गया है कि 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो दोस्तों सोनी का MX471 का सेंसर दिया गया है, जिसके हिसाब से दोस्तों अच्छा आपको आएगा। ये दोस्तों OnePlus 6 में देखा गया था ये सेंसर। तो सेंसर तो काफी जबरदस्त है दोस्तों ये, लेकिन किस तरह का ऑप्टिमाइजेशन है वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों ओवरऑल बोला जाए कि Redmi Note 11 जो है दोस्तों वो डाउनग्रेड है डिस्प्ले के मामले में, क्योंकि यहां पर कम से कम 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले देना चाहिए था और दोस्तों यहां पर कैमरा देना चाहिए था। बोलेंगे कि 2 मेगापिक्सल का क्या फर्क पड़ता है, तो दोस्तों जब आप मैक्रो शॉट या डेप्थ शॉट लेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों Redmi Note 11 जो बोला जाएगा, तो मैं बोलूंगा कि Redmi Note 10 के हिसाब से दोस्तों डाउनग्रेड फोन है। अब बात करते हैं दोस्तों 11 Pro और 11 Pro। तो 11 Pro और 11 Pro Max में दोस्तों बस एक ही फर्क है इसका, दोस्तों चार्जिंग कैपेसिटी और बैटरी का। दोस्तों Redmi Note 11 Pro में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों 5160 mAh की बैटरी और 67 वाट का फास्ट चार्जिंग, और दोस्तों Pro Plus में आपको देखने को मिलेगा 4500 mAh की बैटरी और 120 वाट का फास्ट चार्जिंग। अब तो दोस्तों इसका ऑप्टिमाइजेशन ही बताएगा ये किस तरह का है। वैसे दोस्तों बात करते हैं दोनों के बिल्ड क्वालिटी की, तो दोस्तों दोनों ही ग्लास बिल्ड के साथ आता है प्रो और प्रो प्लस में। यहां पर दोस्तों जो 10 सीरीज था वो भी ग्लास बिल्ड के साथ आता था, लेकिन दोस्तों यहां पर Redmi Note 11 Pro जो है दोस्तों 8.3 mm का दोस्तों आता है यहां पर दोस्तों इसका थिकनेस, लेकिन जो दोस्तों 10 सीरीज था वो 8.1 mm के थिकनेस पे आता था। तो थोड़ा सा दोस्तों यहां पर स्लिक डिजाइन मिलता था Redmi Note 10 Pro वगैरह में, लेकिन Redmi Note 11 में इस तरह का नहीं है। बात करते हैं दोस्तों सबसे बड़ा चीज इसका कैमरा। 108 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का दोस्तों मेन सेंसर दिया गया है, जो दोस्तों ट्रिपल रियर कैमरा के साथ आता प्रो और प्रो प्लस दोनों ही, और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा जो दोस्तों सोनी का IMX471 का सेंसर है। ये तो मुझे भी सही लगा, लेकिन दोस्तों 108 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का देख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दोस्तों ऑप्टिमाइजेशन अगर करेंगे तो वहां तो पता चल ही जाएगा। लेकिन दोस्तों Redmi Note 10 Pro का दोस्तों जो हार्ट था, जो Pro Max का भी हार्ट था दोस्तों, इनका 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर, यहां पर दोस्तों ये जो 2 मेगापिक्सल का दिया गया इसको हटाकर अगर मैक्रो सेंसर देते तो ये जो एक लैब में चल रहा था दोस्तों उसको यहां पर ये लोग कॉम्पिटिशन में दे पाते। बात करते हैं प्रोसेसर इन
इन्होंने अच्छा दिया है। डायमेंसिटी 920 का 5 लाख से ज़्यादा दोस्तों एंटूटू स्कोर आता है, लेकिन दोस्तों यहाँ भी LPDDR4X वाला रैम और UFS 2.2 का सपोर्ट जो दोस्तों पहले भी देखने को मिलता था। बात करते हैं दोस्तों डिस्प्ले के, 6.67 इंच का दोस्तों 2E या E2 डिस्प्ले बोला जाता है। अब ये E2 या 2E दोस्तों कोई फर्क नहीं मिलता, अगर 10 बिट का डिस्प्ले देते तो समझ में भी आता। चलिए अगर प्रो में नहीं दिया तो प्रो प्लस में कम से कम दोस्तों E4 डिस्प्ले या 10 बिट्स का डिस्प्ले देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग दे दिया कि प्राइस जो है दोस्तों उसी तरह का आने वाला है। बात करते हैं इंडिया में इसकी प्राइस जो होने वाली है दोस्तों, रेडमी नोट 11 का दोस्तों प्राइस होने वाला है 14,999 रुपये, आज बोल रहा हूँ नोट कर लीजिए। प्रो का जो होने वाला है दोस्तों 18,999 और दोस्तों प्रो प्लस का जो होने वाला है 20,999, आप लिख लीजिए दोस्तों आज का डेट और आज का इस वीडियो का दोस्तों नाम, क्योंकि यही प्राइस के साथ दोस्तों अब आएगा। अब 21,000 में दोस्तों अगर आप प्रो प्लस ले रहे हैं वहाँ पर दोस्तों 120 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल रहा है, लेकिन बैटरी कैपेसिटी घटा दिया। और दोस्तों 8 बिट वाला अगर एमोलेड डिस्प्ले दे रहे हैं, E2 डिस्प्ले का कोई मतलब नहीं बनता दोस्तों। सुपर एमोलेड डिस्प्ले रेडमी नोट 10 प्रो या प्रो मैक्स का दोस्तों और E2 डिस्प्ले दोनों को आमने सामने रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पता चलेगा। हाँ 10 बिट का अगर डिस्प्ले रहता तो समझ में भी आता। तो दोस्तों अगर ओवरऑल बोला जाए तो अगर आप रेडमी नोट 10 सीरीज लिए हैं दोस्तों और अभी तक इंडिया में 5G का पता नहीं है, 5G जब आएगा तब देखा जाएगा दोस्तों, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो रेडमी नोट 11 अगर आप ले रहे हैं तो वहाँ पर डाउनग्रेड है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर IPS डिस्प्ले दिया गया 90Hz के साथ जो मुझे सही नहीं लगा। तो ओवरऑल बात यही थी दोस्तों जो मैंने आपको बता दिया, तो आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होगी कि इसमें क्या क्या है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नया मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कुछ समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, फिर से आपको समझाएंगे। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।